नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा शोमैन राज कपूर और उनके अंधविश्वास का है। देश के दिग्गज फिल्म मेकर और शोमैन राज कपूर ने बॉलीवुड में कई यादगार फिल्में दी। राज कपूर की बनाई कुछ बेहतरीन फिल्मों में श्री 420, आवारा, संगम, बॉबी, प्रेम रोग, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्में हैं। उनकी फिल्मों की वजह से हिंदी सिनेमा ने अपनी सीमाओं को लांघते हुए विदेशी जमीन पर भी पैर फैलाए थे। एक संपूर्ण फिल्मकार होने की वजह से वो अभिनय, निर्देशन, निर्माण के अलावा कहानी, पटकथा, संपादन, गीत संगीत में भी पूरी दिलचस्पी रखते थे। लेकिन आज हम आपको राज कपूर की बनाई किसी फिल्म के बारे में नहीं, बल्कि उनके गानों के हिट होने की वजह के बारे में बताने वाले हैं। आज भी उनकी फिल्मों के गाने लोगों की जुबान पर रहते हैं, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उनके गानों के हिट होने की वजह किन्नर हुआ करते थे। तो आज के इस पॉडकास्ट में जानते हैं राज कपूर से जुड़ा वो किस्सा जहां वो अपनी फिल्मों के गानों के लिए किन्नरों से सलाह मशवरा किया करते थे। उस दौर में राज कपूर की पार्टियां बॉलीवुड में काफी चर्चित रहा करती थीं। उनके घर पर आए दिन कई पार्टियां हुआ करती थीं, लेकिन उनकी होली पार्टी काफी मशहूर थी। पूरा बॉलीवुड उनकी होली पार्टी में शामिल होने के लिए जरूर पहुंचता था। ये बात शायद ही आप जानते होंगे कि आरके स्टूडियो में होने वाली इस होली पार्टी में किन्नरों को भी खास तौर पर न्योता दिया जाता था। होली वाले दिन किन्नर आरके स्टूडियो में पार्टी खत्म होने से पहले पहुंचते थे और जमकर होली खेलते थे। किन्नर जमकर नाचते और जमकर गाते थे। इस दौरान राज कपूर आखिर में किन्नरों को अपनी आने वाली फिल्मों के गीत सुनाया करते थे। अगर किन्नरों को उनकी आने वाली फिल्म का गाना पसंद नहीं आता था तो वो उस गाने को रिजेक्ट कर देते थे। इस किस्से से जुड़ा एक ऐसा ही वाक्या फिल्म राम तेरी गंगा मैली के दौरान हुआ। राज कपूर ने किन्नरों को अपनी फिल्म का गाना सुनाया। गाना सुनते ही सभी किन्नरों ने उस गाने को रिजेक्ट कर दिया और फिल्म के लिए दूसरा गाना बनाने की सलाह दी। इसके बाद संगीतकार रविंद्र जैन का बनाया सुन साहिबा सुन वाला गाना किन्नरों को सुनाया गया। इस नए गाने को सुनकर तमाम किन्नर खुश हुए और राज कपूर को उन्होंने कहा था कि सालों तक लोग इस गाने को भूल नहीं पाएंगे। फिर ऐसा ही हुआ कि फिल्म के साथ साथ गाने ने भी लोगों के दिमाग पर छाप छोड़ दी और आज भी इस गाने के को लोग अक्सर गुनगुनाते हुए नजर आते हैं। और यह करिश्मा राज कपूर का भी था और राज कपूर के साथ साथ उस परख का भी था जो किन्नरों के साथ थी, लेकिन इसे जमाने ने अंधविश्वास कहा। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने अपने पूरे फिल्मी करियर में यूं तो कई फिल्में बनाई जिसकी भव्यता को दर्शक आज भी याद करते हैं। उनकी फिल्मों के लिए उन्हें 3 राष्ट्रीय पुरस्कार और 11 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। यहां तक कि आवारा फिल्म के लिए राज कपूर को टाइम मैगजीन की टॉप 10 लिस्ट में शामिल किया गया था। यूं ही नहीं कोई शोमैन बन जाता, शोमैन राज कपूर। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।